हे एवरीवन, सो दिस इज पार्ट टू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेक्चर. और इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे मेंस से के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज दिस इज द फाइनल रिवीजन आई एम डूइंग फॉर मेंस पर्सपेक्टिव आफ्टर प्रीलिम्स. और उसके बाद जो भी डिटेल्स होंगी, आपको मैंने पहले भी बोला था कि आप लक्ष्मीकांत अपने साथ रखिए, तो जो भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, जो भी पॉइंटर्स मैंने बनाए हैं, उसको आपको जाके टैली करना है. बहुत मैं फैसिनेटिंग और बहुत ज़्यादा फैंसी स्लाइड्स या कुछ ऐसा नहीं बना रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं उनको समझ आएगा कि नोट्स बना के अगर प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो आप ईजिली विजिबल है वीडियो में. और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप ऐसे सोर्स, बिकॉज बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो यही सोचते हैं कि जब हम कोचिंग करेंगे तो तभी हम प्रिपरेशन करेंगे, और उसके अलावा नहीं हो सकता है, या टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एक्सक्यूजेज हो सकते हैं. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इट हैज़ टेकन मी अ लॉट टाइम, कि उसकी वजह से मुझे बहुत ईजी नहीं था मेरे लिए, बिकॉज एक्सक्यूजेस सबके पास होते हैं. अगर मैं अपनी बात करती हूँ, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एन्जॉय दिस जर्नी अलॉन्ग विद ऑल द प्रिपरेशंस, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फैमिली, किड. और यही मेरा सजेशन है कि आप अर्ली एज में जो भी डिसाइड कर रहे हो, एक साल लो, दो साल लो, डिसाइड करो कि आपको इस ड्यूरेशन में बहुत अच्छे से फोकस होके प्रिपरेशन करनी है. लास्ट ईयर मैंने जो भी था, मतलब किसी भी चीज़ को, फ़ोन और सोशल मीडिया, कोई भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म कुछ यूज़ नहीं कर रही थी मैं. एक साल मैंने पूरा दिया, अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं निकला प्रिलिम्स, बिकॉज मेंस के लिए मैंने तैयारी की हुई थी, बट प्रिलिम्स नहीं निकला, तो फिर मेंस के लिए तैयारी इस ईयर में जो भी हेल्प होगी मुझे, तो वो मैं इजीली अब उसको यूटिलाइज कर पाऊंगी. एंड दैट्स हाउ आई रिक्रिएटेड माय नोट्स, एंड देन आई एम ट्राइंग टू हेल्प अदर्स आल्सो, बिकॉज बहुत सारे टीचर्स ने सजेस्ट भी किया कि आप जो भी पढ़ रहे हो तो किसी सामने वाले बंदे को पढ़ाओ. अब मेरे पास, अब मैं ये सोचती हूँ कि कहाँ से किसको पढ़ाया जाए, तो दैट्स हाउ दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म आई थिंक. अगर दो या तीन बच्चे भी देख के अगर उनको लग रहा है कहीं पे भी कुछ भी एडिशनल है, तो कमेंट में, या एक दो मुझे मिले हैं जो मेरे कंपेनियंस कह सकते हो, या फिर ग्रुप के लिए कि हम डिस्कशन करते हैं कि हाँ यहाँ पे हम और ऐड ऑन करके बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं. तो दैट इज़ हाउ दिस इज़ लाइक द इनिशिएटिव, एंड दिस इज़ द माइंडसेट विच आई हैव. और इससे मेरा रिवीजन भी हो जाता है, और जो भी मैंने प्रिपरेशन की है, अपने नोट्स बनाए हैं, तो मैंने बताया भी था कि मैंने मार्केट से विजन आईएएस के, और उसके अलावा वाजीराम के मैंने अपने किसी फ्रेंड से बोरो किए हैं, तो उससे मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं. तो दैट इज़ वाई आई टोल्ड दीज आर द ऑथेंटिक सोर्सेज, और उसके बेसिस पे आई क्रिएटेड माई नोट्स अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ लक्ष्मीकांत. सो दैट इज़ हाउ आई एम डिलीवरिंग इट. और आई होप आपको समझ में भी आ रहा है जिस तरीके से, और बहुत ईजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ. सो जस्ट कम टू द पॉइंट. जो मैंने इससे जो पार्ट वन है, आप पार्ट सेकंड देखने से पहले पार्ट वन को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कैसे बना, और पहले इसको फेडरल कोर्ट बोला जाता था, उसके बाद 1937 के बाद इसको सुप्रीम कोर्ट 1950 में सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी. सो नाउ कम टू द पॉइंट, हम मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत डिटेल में बात करेंगे, तो ये डिटेल होगा, आई थिंक 1 आवर की क्लास होगी ये भी. सो स्किप मत करिएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स हैं, और कॉन्सेप्ट के लिए अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपके लिए फिर वही होगा कि अगर जंप करके देखने से चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तो फिर हम हर कोई जंप करने लगेगा. बट ये जो जर्नी है प्रिपरेशन की, जो यूपीएससी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी है, तो इसमें हमें थोरो ही स्टडी करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका. मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आपको इजीली बता पा रही हूँ. जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी, और जो प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, तो अगर उनका भी कोई सजेशन है मुझे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा. सो दैट विल रियली हेल्प मी अलॉट एज वेल. एंड दिस इज हाउ आई एम जस्ट क्रिएटिंग द ऑरा फॉर द स्टडी. सो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी अगर बात करते हैं, पार्ट 5 में आता है, एंड चैप्टर 4. सो सबसे पहले बात करते हैं, बिकॉज जो इंडिया में जुडिशियल सिस्टम है, दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अगर, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता है,
एंड एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, जो भी पॉलिसी का फॉर्मेशन को पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, और लेजिस्लेचर जो होता है पॉलिसी को बनाता है, तो उसका एक चेक पॉइंट होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट देखता है कि हमने जो लॉज जो अमेंडमेंट्स हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हुए हैं, और उसके अलावा जो न्यू बिल आ रहे हैं, तो वो सही है या नहीं है। जैसे NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था 2015 में, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन था ये। बिकॉज अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो फिर पार्लियामेंट उसके लिए लॉ कैसे बना सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने PIL, जजेस ने मिलके PIL फाइल की थी। तो ये सारा जो केसेस थे मैंने ऑलरेडी कल के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। लेजिस्लेटिव स्टैटिक पॉलिटी में अगर हम बात करते हैं, स्टेट 1, स्टेट 2 एंड स्टेट 3, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होते हैं एंड दिस इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप बहुत सारे एरो बना के मैंने आगे फिगर में मेंशन भी किया हुआ है, तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लिख सकते हो इजीली। अपार्ट फ्रॉम दिस सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि आई एम हियर टू सेव यू, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोलता है, एंड पीपल ऑफ इंडिया का जो भी सेफ गार्ड है, उनके जो भी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको सेव करने के लिए। अब बात करते हैं चैप्टर 4 में जो भी दिया हुआ है, ये पार्ट 5 चैप्टर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, फोर पार्ट्स हैं इसके, और ये इंटरकनेक्टेड होता है। ये हायरार्किकल ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने मेंशन किया हुआ है, तो उसी तरीके से आप को मेंशन करना है। आपको जो है टर्मिनोलॉजी समझनी है, बिकॉज हिंदी में मैं ऑलरेडी कल काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 1 आवर का लेक्चर है, तो पार्ट 1 आपको ज़रूर देखना है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। उसमें ऑलरेडी हिंदी का जो PDF है उससे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको नोट्स बनाने में भी बहुत ईजी हो जाएगा। अगर बात करते हैं ऑर्गेनिकली लिंक्ड का मतलब है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये बॉडीज एक दूसरे से अलग काम नहीं करती हैं, दे आर लाइक ऑर्गन इन द सिस्टम। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। सिमिलरली जैसे बात करते हैं ना कि हार्ट एंड सोल, उसके बाद ब्लड, तो ये इंटरकनेक्टेड है। अगर एक ऑर्गन को अलग रखते हैं और दूसरे ऑर्गन को अलग, तो वो सर्वाइव नहीं करती है बॉडी। सिमिलरली इसमें भी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का जो फंक्शन है, हाई कोर्ट के जो फंक्शन है और सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शन है, तो जो भी फंक्शनरीज हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और हायरार्किकली अरेंज्ड हैं ये। इन द काइंड ऑफ हायरार्की इज प्रेजेंटेशन केस ऑफ लेजिस्लेचर ऑल्सो नो, क्योंकि अगर आप लेजिस्लेचर के केस में आते हैं तो हायरार्की नहीं है उसमें कि लोकसभा और राज्यसभा बड़ा है या छोटा है। छोटे और बड़े वाली बात नहीं है इसमें। अगर बात करते हैं रीज़न, इसका रीज़न अगर दें, बिकॉज द यूनियन लेजिस्लेचर इज नॉट एज काइंड ऑफ सीनियर टू स्टेट लेजिस्लेचर, बोथ फंक्शंस आर डिफरेंट एट दियर पार्ट। बिकॉज स्टेट का फंक्शन अलग है और सेंटर का फंक्शन अलग है, तो ये नहीं कह सकते हम कि सेंटर अपर केस है और स्टेट लेजिस्लेचर लोअर केस है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। बोथ फंक्शंस आर डिफरेंट एंड बोथ फंक्शंस आर देयर ओन स्पेसिफिकेशंस। नेशनल लेवल पे बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट या एपेक्स कोर्ट है। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट जो कि स्टेट लेवल पे है, और उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और सबसे लास्ट में आते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये पूरा हायरार्की है इसकी। तो ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड टर्म में बनाया है, तो फटाफट बनाया है इसीलिए इस तरीके से बना। बट जब आप अपने नोटबुक में बहुत ईजिली बहुत काम तरीके से बनाओगे तो थोड़ा और अच्छे से बनाइएगा। ऑल दो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर मैं ट्राई करती हूँ कि वैसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है मेरा, तो वो मैं अच्छे से कर लेती हूँ। जुडिशरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया, जैसे लंग्स है, ब्लड इज़ कमिंग फ्रॉम हर्ट, फंक्शनिंग इन डिपेंडेंट ऑन हर्ट, तो इसकी जो जो भी फंक्शंस हैं बॉडी में वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। सिमिलरली जुडिशरी का भी ऐसा ही है। जस्ट एन एग्जाम्पल जैसे मैंने मेंशन किया यहाँ पे। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जजेस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज गोइंग टू प्रमोट, और ये हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं प्रमोशन के बाद। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं प्रमोशंस के बाद, और उसके अलावा इंटरकनेक्टेड ऑर्गन है, तो यहाँ पे वही मेंशन किया हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। हाई कोर्ट हैज़ टू अप्रिशिएट द डेथ पेनल्टी,
गिवन बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि अगर सपोज करो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी है तो हाई कोर्ट उसको पहले देखेगा कि हाँ क्या रीजन था, किस लिए दिया है, और उसको क्रिटिसाइज ना करने की बजाय उस टाइम पे अप्रिशिएट किया जाएगा कि जो डिसीजन है उसको अच्छे से देखा जाए, रिव्यू किया जाए, और उसके बाद अगर कोई अपील करता है हाई कोर्ट में तो उसको पहले अच्छे से रिव्यू किया जाएगा कि डिसीजन किस लिए लिया गया था, और उसके बाद फर्दर जो डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है क्योंकि जब मैं कोई चीज़ पढ़ती हूँ तो उसको इजी लैंग्वेज में मुझे याद रहता है कि हाँ ये किस किस तरीके से था। जस्ट मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाती हूँ क्योंकि जो जो कॉन्सेप्ट है आपके लास्ट क्लास में ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। इट इज़ लाइक यहाँ पे आपको लिखना कैसे है। थ्रू द पॉलिटी ऑफ इंडिया इज़ फेडरल एंड दो इट इज़ फेडरल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी। एक सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी है पूरे इंडिया के लिए एक जैसी। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट के लिए अलग है, दूसरे स्टेट के लिए अलग है, इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग है और वेस्ट के लिए अलग है। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ लाइक सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी। जो लॉज हैं, जो आप कह सकते हो कि कानून की जो किताब है, वो एक जैसी है सबके लिए। जुडिशरी इज़ हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनिकली लिंक्ड। तो एक दूसरे से ऑर्गेनिकली लिंक्ड है और हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड है। इट इज ऑर्गेनिकली लिंक्ड बिकॉज जजेस ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स बिलो द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट हुज इन टर्न मे बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिकॉज एक दूसरे से जब भी प्रमोशंस होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं प्रमोशंस। ओके, तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ऑर्गेनिकली लिंक्ड है। फॉर द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज जुडिशियल कंट्रोल ओवर हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओवर रिस्पेक्टिव सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। इज नॉट दिस केस विद द पॉलिटी ऑफ इंडिया। मीन्स इट इज एप्लीकेबल ऑन इंडियन पॉलिटी एंड यूनियन यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, और अगर स्टेट की बात करते हैं तो दैट इज नॉट यूनाइटेड नेशन, दैट इज यूनियन। सो यूनियन से स्टेट में कोई ऐसा एज सच कंट्रोल नहीं है, सुपीरियरिटी नहीं है इसमें, एंड यूनियन जो है वो कंट्रोल नहीं करती है स्टेट को। इट इज़ लाइक दोनों की फंक्शनरीज अलग अलग है। फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सबसे पहले तो गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज जब भी किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं PIL लेके। सुप्रीम कोर्ट इज़ द सुपर आई मीन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड एंड इट प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी टू योर फंडामेंटल राइट। इज हाई कोर्ट इज़ नॉट द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट? नो, हाई कोर्ट इज़ नॉट द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये पार सुप्रीम कोर्ट को है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द ड्यूटी टू सुप्रीम कोर्ट इफ फंडामेंटल राइट्स आर वॉयलेटेड। सुप्रीम कोर्ट हैव द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम, बट हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर दिस ड्यूटी टू समवन अदर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ मैंशन इन आर्टिकल 32 एंड 220। बिकॉज फाइनल इंटरप्रेटर का मतलब हुआ कि कुछ भी लॉ बन रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, मॉडिफिकेशन या जैसे अमेंडमेंट होते हैं, अगर वो सही है या गलत है तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है या जो भी PIL फाइल होती है उसके अगेंस्ट जो भी डिसीजन दिए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट देती है। फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। सो 6 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सो प्राइमरी प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल इफ इट सेफ गार्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, इसीलिए जो आपने सुना होगा डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर या डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यही फिनोमिना है। हु कैन थ्रेटन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो लेजिस्लेचर कैन थ्रेटन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज वी कैन कोट मल्टीपल एग्जाम्पल्स वेर लेजिस्लेचर हैज़ अमेंडेड एंड मॉडिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन मल्टीपल टाइम्स, बट उसके बाद PIL फाइल होती है, जैसे NJAC का केस है। और उसके अलावा जैसे अभी फार्म बिल था तो बहुत सारी PILs आई थी, उसके बाद फार्म बिल के लिए काफ़ी सारे जो भी एजिटेशन वगैरह हुआ उसको फिर रिपील कर लिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा या लोकसभा के द्वारा। एक्ट एज सोल आर्बिट्रेटर या सिंगल आर्बिट्रेटर कह सकते हो। सुप्रीम कोर्ट इज द सोल आर्बिट्रेटर ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड अमंग स्टेट्स, या फिर दो स्टेट्स के या फिर मल्टी स्टेट और सेंटर के बीच में जो भी डिस्टर्बेंस होते हैं और जितने भी डिस्टर्बेंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है।
कैन हाई कोर्ट एंटर इन टू अ क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. सो ये एग्जाम्पल है प्रोवाइडेड इशू इज़ नॉट पॉलिटिकली इन नेचर. मीन्स इवन हाई कोर्ट कैन इंटरप्रेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट उसमें जो है पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए. इट इज़ अ क्वेश्चन बिटवीन ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी. इट मीन्स दैट कांग्रेस इज रूलिंग इन सेंटर एंड बीजेपी इज रूलिंग इन स्टेट. तो उसमें जिस तरीके से, बट इफ इट इज़ अ काइंड ऑफ एनकरेजमेंट ऑफ द ऑन द पावर ऑफ स्टेट बाई सेंटर, इन दैट केस द हाई कोर्ट कैन एंटरटेन दिस. तो हाई कोर्ट उसको एंटरटेन कर सकता है उस टाइप के केसेस को. इट इज़ अ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ एपेलेट जिसमें कि आप अपील कर सकते हो. इट हैज़ कंसल्टेटिव रोल, जैसे प्रेसिडेंट को कंसल्ट किया जा कंसल्ट करते हैं या फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं. कैन आस्क फॉर कंसल्टेशन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट हैज़ कंसल्टेटिव रोल वेयर इट एक्ट्स एज एडवाइजरी टू द प्रेसिडेंट ऑन एनी इशू ऑफ लॉ विच इज़ ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस, जो कि मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि पब्लिक इम्पॉर्टेंस के केस में. जैसे आपने सुना होगा जब बांग्लादेश के लिए जो भी टेरिटरी का एक्सचेंज हुआ था, उस टाइम पे प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि क्या हम इस तरीके से बांग्लादेश को अपनी टेरिटरी एक्सचेंज कर सकते हैं. तो ये केस भी कोर्ट कर सकते हैं हम इजीली. सिटीजन ऑफ इंडिया और इफ यू हैव बीन practicing for 5 years as a judge in high court, so most powerful person than the legislature and parliament, case 1. So SP Gupta case, इसको हम केस वन कहते हैं. 1993 के जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन को हम केस टू कहते हैं, और केस थ्री कहते हैं रीअपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस 1998 को. तो ये डिटेल में बात करेंगे, बट जस्ट अभी एक्सप्लेनेशन है ये. इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट अ जज इन हाई कोर्ट बट ही इज़ लॉयर, देन प्रैक्टिसिंग ऑफ 10 years एज एडवोकेट इन हाई कोर्ट. तो अगर वो हाई कोर्ट में 10 साल एज एन एडवोकेट जॉब करता है, कुड बी एलिजिबल फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. या यू शुड हैव एमिनेंट जूरिस्ट इन द आई ऑफ प्रेजिडेंट, या आप कह सकते हो कि जो प्रेसिडेंट हैं वो मानते हैं कि इनको कानून की बहुत अच्छी जानकारी है, बट अभी रियलिटी में ऐसा कभी अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है या अप्लाई नहीं किया गया. एंड प्रेसिडेंट फील सो यू शुड हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ जस्टिस, एंड प्रेसिडेंट आल्सो फील सो इवन इफ यू हैव नेवर प्रैक्टिस्ड एनी ऑफ दीज कोर्ट. कैंडिडेट हैज़ बीन वर्कड फॉर एटलीस्ट 5 years एज जज ऑफ हाई कोर्ट और back to back two or more such courts in succession, or has been at least for 10 years of advocate of high court has been at least, or उसके अलावा दो से दो या two or more such courts in successor, या फिर distinguished judge और jurist होना चाहिए in the eye of president. तो ये आप याद रखिएगा कि दो जैसे दो सक्सेसिव कोर्ट्स में हों या फिर डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हों प्रेसिडेंट के नज़रों में. सो कैन यू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट इफ़ यू आर डिस्टिंग्विश जूरिस्ट? नहीं, तो हाई कोर्ट का जज आप नहीं बन सकते हो अगर आप डिस्टिंग्विश जूरिस्ट नहीं हों. सो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस में. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके अलावा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट होता है विद द एडवाइस ऑफ CJI प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट. उसके अलावा प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और अदर जजेस को. तो ये फिगर इम्पॉर्टेंट है. सी माई डॉटर हैज़ डन दिस पेंटिंग ऑन माई कॉपी ऑलवेज. सो आर्टिकल 124 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस. इसका जैसे एक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो एक दो लाइनें बहुत अच्छे से देखिएगा आप. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 और अंडर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड ही मे कंसल्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. Judges are not giver as he deems ya feels necessary. So according to
आर्टिकल 124 क्लॉज 2 और अंडर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड ही मे कंसल्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. और अगर जजेस की बात करते हैं, जजेस आर नॉट गिवर एज ही डीम्स फील नेसेसरी, बिकॉज उनकी जो भी जो सोच है या जो वो फील करते हैं उस तरीके से नहीं है. इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द एडवाइस. जैसे नॉर्मल जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस पे अपॉइंट किए जाते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर. या आप पैरेलली कह सकते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है वो जो चीफ जस्टिस जो करंट जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो रिकमेंड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के. सॉरी इट वॉज अ डिस्टर्बेंस माई डॉटर केम सो या आई एम सॉरी. सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेजिडेंट के द्वारा किया जाता है, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के लिए. बाकी जो कोलिजियम सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम के थ्रू ही अपॉइंटमेंट किया जाता है, बट जो अपॉइंटमेंट का जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है, व्हाइल अपॉइंटिंग अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस एज ही डीम्स या ही कंसल्ट उनका जो कंसल्टेशन है वो नेसेसरी है. तो ये केस वाइज वेरी हुआ था. जब केस फर्स्ट हुआ था जजेस का, केस टू एंड केस थ्री, तो ये जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको. मैं एक फॉर्मल कुछ लाइन्स लिखी है मैंने, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ. इन फर्स्ट जज केस एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 के जो केस में, ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट केस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर नॉट बिल्डिंग ऑन द प्रेजिडेंट बट एन इफेक्टिव कंसल्टेशन शुड अकर President and Chief Justice of India on the basis of document. अब question आता है, do you think that effective consultation, जो कि explanation है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं. Effective consultation given written और जो भी reason है उसका देना ज़रूरी है. He has to give in written with some logic or reason that is on the basis of documentary fact or data. अगर किसी particular person को judge बनाया जा रहा है तो उसके context में है ये. और अब question आता है कि do you think that judge of supreme court is the most powerful person even the parliament in a way? तो reasoning अगर देते हैं कि जो supreme court के judges हैं क्या parliament के से parliament member of parliament से ज़्यादा powerful हैं? अब यहाँ पे reasoning आती है, it is in a way because of नेसेसरी है और पावरफुल भी है एक तरीके से, आप कह सकते हो कि है भी, बिकॉज जितने भी केसेस आते हैं, जैसे इट इज़ नेसेसरी वे बिकॉज ऑन जजमेंट इज़ गिवन बाय वन जजमेंट इज़ गिवन बाय द जज ऑफ जज कैन एक्चुअली ओवरटर्न अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. जैसे आपने NJAC के बारे में सुना था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है. अब उसमें क्या था कि उसमें एक पार्लियामेंट का जो वो होगा लॉ मिनिस्टर को उस कोलिजियम में एंटर करा दिया. अब आप बताइए कि जिसको सरकार चाहेगी, बिकॉज सरकार का एक जो रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हो आप, लॉ मिनिस्टर तो वही हुआ क्योंकि गवर्नमेंट से ही आ रहा है. तो अगर वो आ रहा है तो फिर इस तरीके से तो पार्शियलिटी भी हो सकती है कि किसी जो उनके फेवरेबल हैं, जो पर्सन जो उनके लिए अच्छा का मतलब कुछ ऐसे अलग से डिसीज़न नहीं ले, या जैसे अमेंडमेंट हुआ है तो PIL भी इस तरीके से थोड़े लीनियंट हो जाएं, तो इसकी वजह से
ये डिसीजन को सही नहीं माना गया कि आउटर, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो उसमें किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, वेदर नॉट फ्रॉम द पार्लियामेंट, आई मीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों का ही। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो उसीलिए कोलिजियम सिस्टम को फिर से रिवाइव किया गया था, जिसमें कि 4 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाद में हुए हैं, तो उसके जो है उसके बारे में बात हम करेंगे अभी। तो इसीलिए ओवरटर्न किया जाता है कि जब उनको लगे कि कोई भी जो लॉ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको रिपील कर दिया जाता है। आपने बहुत बार देखा भी होगा। सो लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट पर्टिकुलरली द गवर्नमेंट, दे विल नॉट हैव अ काइंड ऑफ फीलिंग दैट वी शुड हैव आर ओन पीपल और समबडी एफिलिएटेड टू अस। अर्लियर देर वॉज अ ट्रेडिशन दैट Whosoever is becoming the judge of Supreme Court, who should be the senior most judge of Supreme Court, and he will be made as the Chief Justice of India, जो कि एक जनरली ट्रेडिशन है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। लेटर ऑन इट वॉज ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट हु ऑल्सो पिकिंग ओनली दैट पर्सन हु वॉज सीनियर मोस्ट जज हु बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट ट्वाइस इट हैज हैपन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी टेन्योर, एंड चीफ जस्टिस ऑफ, जैसे 1973 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो अपॉइंटमेंट हुआ था, और 1978 में भी हुआ था। तो 2 ईयर थे जिसमें कि ऐसा हुआ है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के केस में। तो जस्टिस रे ए एन रे ही वॉज नॉट द सीनियर मोस्ट जज हु हैज़ अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो डिस्प्यूट हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन दैट। उसके बाद 1977 में भी हेयर वी गॉट देयर दैट फीलिंग दिस फीलिंग दैट देर वॉज समथिंग इज़ मिस इन जुडिशियल सेक्शन सिस्टम, एंड समबडी हु वॉज क्लोजर टू द प्राइम मिनिस्टर ही हैज़ मेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही कुड हैव मेड इंडिया। जैसे कि क्योंकि इंडिया की जो जुडिशरी है वो काफ़ी स्ट्रांग है, अगर कोई भी लॉ गलत बनता है तो फिर जुडिशरी उसमें स्ट्रांग एक्शंस लेती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि अगर कोलिजियम सिस्टम फेयर डिसीजन लेगा तो वो फिर, क्योंकि इंडिया का सेफ गार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर आप सेफ गार्ड कर रहे हो तो जुडिशरी को आप कहते हो ना कि निष्पक्ष होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए पार्शल नहीं होना चाहिए। तो यही मेंटेन करना है, बिकॉज किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री बिकॉज ऑफ दैट। सो 1982 में एस पी गुप्ता केस, फर्स्ट जज केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें। वी वॉन्ट टू मेंटेन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विच इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड टू मेंटेन दिस बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट इट सेल्फ टुक अ स्टेप, एंड 1982 में जो केस आया था, केस केम इन सुप्रीम कोर्ट विच इज़ कॉल्ड एज द फर्स्ट केस ऑफ एस पी गुप्ता केस। वाई दिस केस केम, बिकॉज दे हैज टू बी अ mechanism by which somebody has made the Supreme Court judge or made the Chief Justice of India as per the constitutional provision which is written in the constitution that who will appoint as the judge of Supreme Court। तो उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है President of India and Collegium will appoint the judge of Supreme Court। ठीक है, 1993 में अब आता है केस की, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेटेड दैट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट द जज विद द कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जो सुप्रीम आई मीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के वो। बट इट डिड नॉट क्लैरिफाइड दैट वॉट इज द एक्सटेंड ऑफ दिस कंसल्टेशन इफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गिव द ओपिनियन विच इज नॉट लाइक्ड बाय द प्रेजिडेंट। इन दैट केस प्रेजिडेंट इज नॉट बाउंड टू टेक द डिसीजन एज पर सजेशन गिवन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस तरीके का कोई ऐसा क्लॉज नहीं था। उसके बाद आता है डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट और सजेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विच विल प्रिवेल। तो इन दोनों में से जो डिसीजन होगा किसका माना जाएगा डिसीजन, इट इज़ नॉट मेंशनड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जुडिशरी इंटरप्रेटेड दिस वे दैट जुडिशरी सेड दैट प्रेसिडेंट विल एट बेस्ट कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हु इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट टू प्रेजिडेंट और क्लोजर टू द प्रेजिडेंट, बट व्यूज विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द प्रेजिडेंट। तो उसके प्रेजिडेंट पे जो व्यूज होंगे वो बाइंड नहीं होंगे। अब और चीज़ आती है आगे, हु विल हैव
an upper hand as per the judgment, whether president or indirect executive or prime minister. So president will not do it by himself. He will do it on the advice of executive or prime minister or the council of ministers. So it was overturned in second judge case. So second judge case में ये पूरा overturn हो गया कि पहले क्या हो रहा था कि bind नहीं है. अब second case आता है second judge case में advocates और record assembly. कोलिजियम सिस्टम आता है, ग्रुप ऑफ कोलिजियम सिस्टम जो बोलते हैं उसे ग्रुप ऑफ जजेस को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल या जजेस. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रेसिडेंट विल कंसल्ट विद द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अ वे दैट कंसल्टेशन शुड इंक्लूड ऑल एंड एटलीस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड दैट कंसल्टेशन इज एक्चुअली काइंड ऑफ बाइंडिंग द प्रेसिडेंट बिकॉज when the president will consult the collegium body of the supreme court. तो यहाँ पर binding हो गया है कि president को मानना पड़ेगा chief justice collegium में chief justice of india. second judge case में chief justice of india के साथ दो senior most judge हैं supreme court के उस collegium में. now if the collegium is given the advice to president which is contradict to the view held by president, if president said I want him to become chief justice of india, कोलिजियम से बोलता है विल से और से नो सर प्लीज मेक हिम द न्यू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो अब केस आता है, सॉरी लाइन कट हो गई. इन दैट केस हुज विल प्रवेल, फाइनली कोलिजियम विल प्रवेल बिकॉज कोलिजियम को ही डिसाइड करना है. तो कोलिजियम जो सजेशन देगा प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा. प्रेसिडेंट कैन सेंड for the reconsideration to the collegium that please consider your advice, but then if collegium will give the same kind of advice, then after reconsideration of that advice will be binding on the president. So president ko usi judge ko appoint karna padega jo collegium batayenge. third judge case aata hai 1998 ka. in this case collegium was enlarged. It means if president has to appoint the judge, he will discuss it with the collegium. But this time collegium will not have chief justice of India and two judges. But chief justice and one, इसमें total five members हो गए. one एक chief justice of India and four judges. So or even more, इसका जो number है वो increase भी हो सकता है. अब यहाँ तक according to them, it was not democratic and collegium structure change. तो इसमें जो भी चेंजेस हो इट विल ब्रिंग मोर कंसल्टेशन और वाइडर कंसल्टेशन. तो ये जो है वाइडर कंसल्टेशन बिकॉज चार पांच लोग जब मिलके डिसीजन लेंगे सब अपनी रीजनिंग अप्लाई करेंगे एंड देन दे विल टेक द फाइनल डिसीजन फॉर द अपॉइंटमेंट. सेकंड जज केस का जो है फॉर्मल है ये, तो आपको ये लाइन्स लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जे एस वर्मा वर्सेज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड जज केस, जो कि हिंदी वाले वर्जन में भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो यहाँ पे रीजनिंग, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी लिखती हूँ इसमें, तो इन द केस सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स ओन डिसीजन. बिकॉज कई बार आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजंस को ओवरटर्न करता है, जैसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. इसीलिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है कि जो भी पुराने जजमेंट्स थे उनको उन्हें लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए जो कि देश के हित के लिए है, तो वो चेंजेस कर देते हैं. इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न इट्स ओन डिसीजन हेल्ड दैट इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ द opinion expressed by CJI has given prominence. Appointment of judges, the opinion expressed by Chief Justice of India shall enjoy prominence over president views, because that view of Chief Justice of India are not his personal opinion of the judiciary of the whole expressed through the Chief Justice of India. What is the authority to initiate, or who is the authority to initiate the judge of Supreme Court and High Court appointment or transfer? तो इनके लिए कौन सी जो बॉडी है उसकी जो ट्रांसफर्स वगैरह को इनिशिएट करती है. तो यहाँ पे बात आती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही इज़ द ओनली अथॉरिटी बिकॉज वही डिसाइड करते हैं कि किसका ट्रांसफ़र कहाँ पे करना है और जो भी अपॉइंटमेंट्स करने हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ द सोल अथॉरिटी टू स्टार्ट और इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट.
टू रिप्रेजेंट द जुडिशियरी व्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट एटलीस्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाइल फॉर्मिंग हिज ओपिनियन इन राइटिंग. बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि सुप्रीम कोर्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही सारी चीज़ें पता हों, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें या नॉलेज लेने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अदर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ओपिनियन बनाएंगे और रिटर्न में देंगे कि हाँ इन जजेस का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किया जाएगा. प्रेजिडेंट ओनली रेफर द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर हिज रिकन्सिडरेशन, बट द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस आफ्टर सच रिकन्सिडरेशन शैल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेजिडेंट देयर आफ्टर. तो उसके बाद प्रेजिडेंट मे रेफर द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर हिज रिकन्सिडरेशन. तो उनके रिकन्सिडरेशन के लिए प्रेजिडेंट रेफर करते हैं, एंड देन देर सच अ रिकन्सिडरेशन शैल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेजिडेंट. तो उन्हीं के बेसिस पे जो भी एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देंगे तो प्रेजिडेंट उसके लिए बाइंड होंगे. थर्ड, ये सेकेंड केस में था. अब थर्ड केस आता है रीअपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ जजेस केस 1998. जैसे 1993 में व्यूज ऑफ जुडिशरी जो था 1998 में जो था डिसीजन चेंज हो गया यहाँ पे. तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को ओवरटर्न किया, बिकॉज 1993 का जो केस था सेकंड जज केस उसको ओवरटर्न करके उसके बाद ये थर्ड जज केस आता है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द थर्ड जज केस. ही अ जुडिशरी एनलार्ज द कोलिजियम. तो कोलिजियम का जो एनलार्जमेंट हुआ, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डजेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द ओपिनियन ऑफ जुडिशरी एंड दस एक्सपेंड द कोलिजियम. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाउ शुड कंसल्ट फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू अपॉइंट एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इफ None of the four judges of Supreme Court is to become the next CJI, then the judge who is in line to be the next CJI should also be involved. जो कि eligibility को complete करता है basically. Who is in line to the next CJI should also be involved in the consultation. In appointment of the High Court judge, Chief Justice will consult two senior most judges. तो हाई कोर्ट के जज के लिए सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना होगा. तो कोलिजियम में अब बात करते हैं ट्रांसफ़र पे. यहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको जब लिखेंगे तो बहुत साफ साफ अच्छे से लिखिएगा. अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस फोर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो इन चार में से न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाला है, या अगर इन चारों में से कोई भी सीजीआई नहीं बनता है तब क्या होगा कि इस केस में जो नेक्स्ट ट्रांसफर के केस में ट्रांसफर द सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चार सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट जज इन लाइन विद एलिजिबल टू बिकम द सीजीआई उससे कंसल्ट करना होगा इस केस में. अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बात करें अगर, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दो सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के, और चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट से कंसल्ट करेंगे. जैसे चाहे कोई सा भी स्टेट हो, कर्नाटका हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या आसाम हो, मणिपुर, मेघालय, तो ये सारे कंसर्न स्टेट से करेंगे. अब टू ट्रांसफ़र द हाई कोर्ट जजेस के अगर बारे में बात करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फोर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करेंगे प्लस चीफ जस्टिस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग जो होगी वो हाई कोर्ट के कंसर्न्ड जो हाई कोर्ट होगा उससे डिस्कशन करेंगे. तो ये ट्रांसफ़र के केस में और अपॉइंटमेंट के केस में ये वाला चार्ट इम्पॉर्टेंट है. अगर अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड इन 1998 दैट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट, ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस विल कंसल्ट फोर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ हाई कोर्ट. नो ओपिनियन ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट्री टू द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल बी कन्वेड टू द प्रेजिडेंट. डिसीजन इन द कोलिजियम इज टेकन बाय कंसेंसस. ऑल हैव टू एग्री. तो ये सारे जो भी कंसेंसस पे एग्री होना पड़ेगा. ओपिनियन एक्सप्रेस बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज रिव्यूएबल एंड जुडिशियली बट
only on the grounds of procedures anomaly और procedure irregularity के basis पे ही decision को review किया जा सकता है। अब इसके बारे में मैं explain आपको कर चुकी हूँ। explanation presumption is that out of four senior most judges in the collegium out of their therefore somebody will become the next chief justice of India and will replace with CJI. So if tomorrow new chief justice of India come who would not have divergent view, it is the presumption that the new CJI will be from one of them only. But out of four nobody, अगर उनमें से चारों में से कोई नहीं बनता है देन रीज़न कुड बी एनी थिंग। जैसे अगर सपोज़ करो कि किसी की एज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से पहले वो 65 ईयर्स का उनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया हो, या किसी ने रिज़ाइन कर दिया हो, या फिर अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई हो। इन दिस केस अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज द एलिजिबिलिटी टू बिकम CJI, द CJI विल कंसल्ट दीज फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द पर्सन हु इज द मोस्ट एलिजिबल, जो कि सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड कह सकते हो या एलिजिबल कह सकते हो आप फॉर दिस पोस्ट और अपॉइंटमेंट टू बिकम द नेक्स्ट CJI। इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस CJI विल कंसल्ट टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फॉर दिस पोस्ट और अपॉइंटमेंट वेयर द अपॉइंटमेंट टू बी मेड। इफ अपॉइंटमेंट इज टू बी मेड इन कर्नाटका देन यू हैव टू डिस्कस और कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। तो ये उसके पर्टिकुलर जो हाई कोर्ट होगा उससे कंसल्ट करना होगा। इन ट्रांसफर केस फॉर एग्जाम्पल सपोज समबडी इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कर्नाटका हाई कोर्ट टू उत्तराखंड हाई कोर्ट देन CJI विल कंसल्ट विद फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर्नाटका हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड। तो उनसे कंसल्ट करके तब ट्रांसफर और शफलिंग करनी होगी। सपोज इन सेकेंड केस होता है 4+1 जजेस आर सेइंग दैट वी हैव टू अपॉइंट दिस फेलो एंड CJI इज नॉट arguing with what will they do, then opinion hogi will they go by the view of CJI or will they go by the 4+1 judges. So decision could be made by the consensus of everybody has to agree. Moreover one thing has written in the constitution, to isme se ek cheez likhi hui agar char mein se suppose ki chief justice of India ka view different hai then no decision will be contradictory to the view of CJI, will be decision of CJI and it will be communicated by any means whether somebody agree or not. CJI has to agree. You cannot communicate the decision to the president which is not agree by the CJI, because CJI ka agree hona zaruri hai. Even if two judges do not agree, in that case ऑल्सो द कम्युनिकेशन विल नॉट कम्युनिकेटेड फर्दर। तो आगे कोई बात ही नहीं होगी कि किसका अपॉइंटमेंट करना है, पहले एग्री होना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए। CJI शुड एग्री वॉट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम CJI, तो मैंने बताया भी है कि कोई मिनिमम एज नहीं होती बट मैक्सिमम एज होती है 65 ईयर्स रिमूव, वो भी सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर्स है। रिमूवल ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 बात करता है रिमूवल बाय प्रेसिडेंट एंड रिजोल्यूशन टू रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जैसे कि किसी भी हाउस में हो सकता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, तो वही मैंने मेंशन किया है द रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज विद द विद द सपोर्ट ऑफ द अगर आप बात करते हो तो स्पेशल मेजॉरिटी है 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोट मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस एंड जजेस इंक्वायर एक्ट में दिया गया है यार जो है आर्टिकल। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करते हैं क्या स्पीकर बॉन्ड है अगर इम्पीचमेंट रिमूवल होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का, और उसके लिए राज्यसभा में जो है 50 मेंबर्स और लोकसभा में 100 मेंबर्स से ज़्यादा का सपोर्ट मिला हुआ तभी होता है ये, अगर इम्पीचमेंट के प्रोसेस की बात करते हैं। इन द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट द
रिजोल्यूशन ऑफ द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इफ 50 मेंबर तो लोकसभा से अगर बात करते हैं और 100 मेंबर्स जो हैं सॉरी 50 मेंबर्स राज्यसभा से और 100 मेंबर्स लोकसभा से, क्योंकि ये नंबर्स इसलिए भी हाफ है क्योंकि लोकसभा का नंबर राज्यसभा से डबल है. कंपैरिजन ऑफ द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इम्पीचमेंट का अगर प्रोसेस की बात करते हैं तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे क्या है सुप्रीम कोर्ट के ये प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट है. इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल रिजोल्यूशन पास होता है बॉट इन द लोकसभा और या फिर राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में लेके आया जाता है प्रेसिडेंट के लिए. प्रेसिडेंट के लिए सो रिमूवल रिजोल्यूशन इज ब्रॉट इन लोकसभा और राज्यसभा रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ 1/4 पीपल. इट इज प्रपोज्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी. सबसे पहले स्पेशल मेजॉरिटी आती है उसके बाद 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस. इट इज बेस्ड इन वन ऑफ द हाउस तो एक इसमें से एक हाउस के ऊपर होना चाहिए और उसके या कम से कम एक हाउस से पास होना चाहिए. एंड इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट गोज टू द अदर हाउसेस. इट विल एक्ट एज इन्वेस्टिगेटिंग हाउस. ए प्रेसिडेंट कैन ऐड हिमसेल्फ इन सेकेंड हाउस. अब नेक्स्ट बात करते हैं ये है सुप्रीम कोर्ट की. सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इट इज़ मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट टू बी एंड इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर एंड रिवर्स ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. Resolution of the removal of judge of Supreme Court in Janmashtami coming in Lok Sabha, then resolution of the removal of the judge of Supreme Court is coming in Lok Sabha, then resolution has to be supported by 100 members and process of removal in the same way resolution to be passed. So judge of Supreme Court and then in case of high court the supported members will be 50 isme required hai. And removal of the supreme court ki agar baat karte hain, if the resolution of supreme court judge is brought in rajya sabha the rajya sabha will act as only investigating house. Presiding officers has to form a judicial committee. Members will support in the parliament. Provide misbehaving in incapacity and 3 members committee बात करती है law experts, sitting judge of supreme court and sitting judge of high court. Sitting का मतलब है कि वो retire ना हुए उनका जो भी tenure है वो चल रहा हो. They will investigate the changes. Investigation होगी उसके बाद ही ये सारा process complete होगा. So they will investigate the changes against judge may be corruption. These members committee will investigate and after investigation they will prepare the report. They will submit the report to presiding officer on the basis of reports and voting will take place. Here judges will get the changes to build define defend himself or herself. तो जो भी defend किया जा सकता है after, क्योंकि अगर किसी के ऊपर allegation लगते हैं तो एटलीस्ट उसको chance तो देना चाहिए ना कि हाँ मतलब जो भी allegations लगे हैं वो wrong है. after the that voting will takes place. तो ये मैं just आपको एक chart की form में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको याद रहेगा कि पहले क्या था उसके बाद क्या था उसके बाद क्या था. if voting will takes place and pass it by 2/3 of majority, 2/3 present and vote along with absolute majority, then house has passed the process of removal of Supreme Court judge.
then it will go to other houses. Here other houses or second house will not investigate the changes. Other houses will simply passes the proposal or reject the proposal. If other houses pass the resolution proposal, that has to be proposed by same majority.